स्पाइसजेट की जबलपुर से बेंगलुरु की विमान सेवा देर रात निरस्त होने की वजह से यात्री भड़क गए। विमान कंपनी पहले तो विमान को विलंब होने की सूचना देकर यात्रियों को इंतजार करवाती रही। जब कई घंटे इंतजार के बाद आधी रात को कंपनी ने उड़ान को निरस्त करने का ऐलान किया तो यात्रियों का सब्र टूट गया। उन्होंने विमान कंपनी के प्रतिनिधियों से वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग की। कुछ यात्रियों का आरोप है कि विमान कंपनी ने इंतजार के दौरान पेय पदार्थ दिया, वह खराब गुणवत्ता का था। हालांकि देर रात सभी यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई और रविवार की दोपहर बेंगलुरु के लिए विमान का इंतजाम भी किया गया। इस संबंध में स्पाइसजेट कंपनी के स्टेशन मैनेजर रंजन ने बताया कि बेंगलुरु की उड़ान रात 8:30 बजे थी, लेकिन किन्हीं कारणों से विमान देरी से पहुंचा। रात में ATC में विमान की लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली, इस वजह से विमान नहीं आ पाया। बताया जाता है कि ATC में बिजली बंद हो गई थी, ऐसे में रात के वक्त बिना पर्याप्त रोशनी के लैंडिंग संभव नहीं थी। हालांकि कंपनी प्रबंधन ने सभी 72 यात्रियों को रात में ठहराने का पूरा इंतजाम किया। उनके लिए भोजन के अलावा आने जाने की व्यवस्था भी दी गई। इसके बाद रविवार को दोपहर करीब 3:30 बजे बेंगलुरु के लिए विशेष विमान का इंतजाम भी किया गया है। सभी यात्रियों को बेंगलुरु इसी विमान से भेजा जाएगा। यात्रियों ने कहा कि उन्हें रात के वक्त लगातार दिलासा दी गई कि विमान कुछ देर बाद लैंड करेगा। इस तरह करीब 11 बजे के बाद ऐलान किया गया कि विमान सेवा निरस्त हो गई है। ऐसे में कई यात्रियों को जरूरी कार्य से पहुंचना था, उनके लिए यात्रा खराब हो गई। विमान कंपनी के प्रतिनिधियों यात्रियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन यात्री अव्यवस्था को लेकर खासे नाराज हुए। कुछ यात्रियों ने कंपनी की तरफ से दिए गए पे को दिखाया जिसमें फफूंद सी लगी हुई थी।